Morning, how are you? Fine. Today I am going to tell you about lesson third, gift, special gift for mother. है ना? तो आप हम लोग माँ से प्यार करते हैं? हाँ, करते हैं, हम भी करते हैं. माँ जो है बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही देखती है, देखभाल करती है, घर का सारा काम करती है ना, सबको क्या करती है, सबको खाना पीना सब खिलाती है. इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, माँ से काफी प्यार करना चाहिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड बना हुआ है. कार्ड में आपको क्या दिख रही है, माँ है, एक बच्ची के साथ है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे मॉम, ना मॉम यू आर द बेस्ट मदर, है ना. ये जो कार्ड बना हुआ है किसके ऊपर है, बर्थडे कार्ड है. क्या है, बर्थडे कार्ड है और माँ के ऊपर बनाया गया है, ठीक है. और इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉम यू आर द बेस्ट मदर, है ना. आप जो है बहुत ही प्यारी माँ है ना, बहुत अच्छी माँ है. तो हम लोग माँ जो है क्या करती है, सबको देखती है, सबके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसकी सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, पढ़ाने लिखाने में सेवा करती है, मदद करती है ना. तो हमें क्या करना चाहिए, माँ से, और माँ से क्यों, माता पापा से भी प्यार करना, सभी से प्यार करना चाहिए, है ना. तो माँ पापा ये सब जो है वो क्या है, हमारे पूजनीय होते हैं और दादा दादी भी पूजनीय रहते हैं. इसलिए हमें माता पिता को कभी भी दुख हर्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है. तो ये कार्ड जो है, कार्ड को देख रहे हैं और इसको समझना है और देखना भी है कि ये किस तरह से बनाया गया है, उसी तरह आपको भी बना जो बनी हुई है. तो ये इसको देख करके देख समझिए कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने माँ के लिए एक सुंदर सा कार्ड बना करके देना चाहिए, चाहे वो मदर्स डे का हो या फिर बर्थडे कार्ड हो, है ना. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप वर्ड मीनिंग कुछ दी हुई है ना, आपके बुक्स में जो है वर्ड मीनिंग दी गई है वो इंग्लिश में है और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई हूँ. इसके हिंदी का जो वर्ड मीनिंग होता है, शब्दार्थ जो होता है वो लिख करके बताई हूँ, ठीक है. तो गिफ्ट नंबर वन क्या है, गिफ्ट. तो गिफ्ट मीन्स क्या होता है, उपहार. क्या होता है, उपहार. डिसाइडेड, फैसला, फैसला करना, डिसाइड करना, है ना. रिबन, फीता, है ना. एवर, किसी भी समय. एवर मीन्स किसी भी समय. स्पेशल, खास. स्पेशल, खास. परचेज, खरीद लिया, है ना. टाइड, बंधा होना. साइलेंटली, बिना कुछ कहे. रिसीव, प्राप्त किया, ठीक है. तो ये जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में भी लिखिएगा, ठीक है, और इसको याद भी करना है, समझ में. तो इससे पहले कि हम आगे लेसन में चले, तो इस लेसन के बारे में क्या करेंगे, हम लोग कुछ जानेंगे और समझेंगे. तो पहले इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, दिस चैप्टर टेल्स हाउ कैन एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड लव टू आवर पेरेंट्स. ये जो चैप्टर है वो बता, ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि हम किस तरह से अपनी माँ को आदर, माँ माता पिता को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, आदर और सम्मान दे सकते हैं और प्यार कर सकते हैं. बिफोर वी प्रोसीड आवर पेरेंट्स लव अस वेरी मच, हमारे आगे बढ़े. तो इस लेसन में क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो माता पिता जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. दे डू एवरी थिंग फॉर अस, है ना. वो क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. वी ऑल्सो लव आवर पेरेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं. बट हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर लव, है ना. तो हम अपने प्यार को किस तरह से दिखा सकते हैं, कैसे हम अपने प्यार को दर्शा सकते हैं. लेट अस रीड व्हाट शी डिड टू टेल हर दैट शी लव्स हर अ लॉट, ठीक है. तो ये जो चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि जूही जो है एक लड़की है और वो अपनी माँ से क्या करती है, बहुत प्यार करती है. और वो क्या कर रही है, वो अपनी माँ को बताना चाहती है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ. जी, जूही वॉज सिटिंग इन हर स्टडी रूम. जूही जो है वो कहाँ बैठी हुई है, अपने स्टडी रूम में बैठी हुई है जहाँ वो पढ़ती है. टुमारो इज हर मदर्स बर्थडे, है ना. टुमारो, टुमारो मीन्स क्या होता है, कल, ठीक है. कल उसकी माँ का क्या है, बर्थडे है. एंड शी वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट गिफ्ट टू हर मदर, और वो चाहती है कि वो अपनी माँ को बहुत बहुत ही अच्छा तोहफा, उपहार है, तोहफा है वो
देना चाहती है. She took out her piggy bank and counted the money. वो क्या करती है, जिस गुल्लर में वो पैसा जमा करके रखती है उस गुल्लर को निकाल करके और क्या करती है, उसको गिन लेती है, पैसे को गिन लेती है. Then she went to the market. और फिर क्या होता है, वो मार्केट चली जाती है. She wanted to give her mother something very special, है ना. वो अपनी माँ को बहुत ही कुछ खास, एकदम खास, बहुत ही खास वो क्या करना चाहती है, गिफ्ट देना चाहती है ना. अर्ली यस्टरडे देयर टीचर्स हैड टॉट देम हाउ टू मेक ग्रीटिंग कार्ड, है ना. कल ही उसके शिक्षक जो थे वो क्लास में बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग कार्ड बना सकते हैं. She decided to make a beautiful card and present her mother. और वो फैसला करती है कि मैं एक सुंदर सा कार्ड बनाऊंगी और अपनी माँ को क्या करूंगी, दे. She purchased a pieces of cardboard and some beautiful colored paper. ना वो क्या करती है, कुछ गद्दे, कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड के कुछ गद्दे और कुछ कलर, कलरफुल रंगीन पेपर खरीद करके क्या करती है, लाती है. सी ऑल्सो बॉट सम बीड्स एंड अदर थिंग्स टू डेकोरेट द कार्ड, है ना. वो जो है कुछ मोती और भी कुछ चीज़ें जो है वो कार्ड को सजाने के लिए लाती है. देन सी रिटर्नड होम, और फिर वो क्या आ जाती है, घर में आ जाती है. सी सेट डाउन टू मेक अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर हर मदर. वो जो है वो क्या करती है, नीचे में बैठ जाती है और उस क्या करती है, अपनी माँ के लिए कार्ड बनाने के लिए स्टार्ट करती है, बनाना चालू करती है ना. सी डेकोरेट द कार्ड विद कलर्ड पेपर एंड बीड्स, है ना. वो जो कार्ड को क्या कर रही है, कलर पेपर से क्या कर रही है, सजा रही है और मोतियों से भी सजा रही है. देन सी टाइड अ ब्यूटिफुल रिबन अराउंड इट, और फिर उसके बाद क्या करती है, जब कार्ड तैयार हो जाती है तब उसके चारों तरफ क्या करती है, रिबन से टाइट से बांध देती है, फीते से. इन द कार्ड सी रॉट मॉम यू आर द बेस्ट मदर, है ना. तो वो जो कार्ड में क्या करती है, लिखती है माँ, क्या लिखती है, मॉम, माँ, यू आर द बेस्ट मदर, तुम जो है बहुत ही प्यारी माँ हो, इस संसार की बहुत ही ज़्यादा प्यारी माँ हो, है ना. मॉम यू आर द बेस्ट मदर, आप बहुत ही अच्छी माँ हो. आई वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड, मैं चाहती हूँ कि मैं इस संसार का सबसे अच्छा तोहफा मैं तुम्हें दूँ. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से कुछ भी नहीं खरीदा. बिकॉज नेम ऑफ देम आर एज गुड एज यूर, क्योंकि आपका नाम ही क्या है, बहुत ही अच्छा है, आपका नाम ही बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन जूही वॉक अप अर्ली एंड वेंट टू द किचन, ना. नेक्स्ट मॉर्निंग जूही जो है वो क्या है, अगले ही दिन वो सुबह में उठ जाती है और वो क्या करती है, अपनी मम्मी के पास किचन में चली जाती है. हर मदर वॉज मेकिंग टी फॉर हर फादर, है ना. उसकी माँ जो है वो उसके पिता के लिए क्या बना रही है, चाय बना रही है. She gave the card to her mother and stood silently. वो क्या करती है, अपनी माँ को कार्ड देती है और चुपचाप क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है. मदर ओपेंड द कार्ड, माँ जो है कार्ड को खोलती है. टेयर्स रोल इट डाउन फ्रॉम हर आईज, है ना. और उसकी आंखों से क्या होती है, आंसू जो है लुढ़क जाती है. सी हगड जूही एंड सेड, वो क्या करती है, जूही को गले लगा लेती है, जूही को क्या करती है, अपने गले लगा लेती है. इट इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, है ना. इससे अच्छा खास तोहफा मुझे अब तक नहीं मिला, है ना. इससे अच्छा खास तोहफा तो उपहार मुझे नहीं मिला. ये बहुत ही अच्छा और प्यारा तोहफा है मेरे लिए, है ना. यही बोलती है, ये जो गिफ्ट जो है बहुत ही प्यारा गिफ्ट होता है, उपहार कहते हैं, तोहफा कहते हैं. तो जब किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, उसको देते हैं. तो उसको क्या होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है और हम लोग भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, मेरा तोहफा कुछ ने कबूल किया और बहुत ही अच्छा लगा उसे, है ना.
तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी से प्यार करते हैं, मम्मी के लिए भी हम लोग क्या बनाना चाहिए, कार्ड बनाना चाहिए, चाहे वो बर्थडे कार्ड हो या मदर्स डे के लिए कार्ड हो, मम्मी ही क्यों और सभी के लिए भी कार्ड बनाना चाहिए। जैसे पापा है, पापा से भी प्यार करते हैं, भाई बहन से भी प्यार करते हैं, करते हैं ना, दोस्तों से भी प्यार करते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, जो अच्छा से सुविधा जो हाथ से बनी हुई चीजें रहती हैं वो दूसरे लोग जो है काफी पसंद करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को एकदम हाथ से बनी हुई चीजें उपहार में देना चाहिए ना, जिससे वो खुश हो गया। ठीक है, तो माँ तो बहुत प्यारी होती है और सबको भी अच्छी लगती है और सबको जो है अपने माँ के लिए कार्ड बनाएंगे। ठीक है, हम लोग मदर्स डे भी कार्ड बनाए थे ना, लेकिन आप लोग हमको शो नहीं किए, लेकिन आप होमवर्क आपको दे रही हूँ, मदर्स माँ अपनी माँ के जन्मदिन के लिए कार्ड बनाना है। ठीक है, और मुझे दिखाना भी है। ठीक है, मेरे नंबर पे, ग्रुप में नहीं, मेरे नंबर पे। ठीक है, तो ये कार्ड है, इसी टाइप से आप क्या घर में कार्ड बनाइएगा, चार्ट पेपर से, फ्लावर से, है ना, रिबन से, और इसमें लिखना भी है। ठीक है, और इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल वैल्यू, यहाँ देख रहे हैं ना, मॉरल वैल्यू, We should always love and respect your parents, है ना? हमें हमेशा अपने माता पिता से क्या करना है, प्यार और आदर देना है, प्यार और आदर देना है। समझ में आया? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर MCQs सब जो है आपके कॉपी में मिल जाएगा। थैंक यू।